हमारे साथ हैं अख्तर रजा जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली में जो अभी अभी दंगे हुए हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, अख्तर रजा का भी घर उसमें जला है। जब ये दंगे शुरू हुए किस तरह की स्थिति थी वहाँ पे, किस तरह से आप लोग वहाँ से निकले? जब मैम दंगे शुरू हुए तो बहुत ज़्यादा भयावह कह सकते हैं, ये आप समझिए, मतलब ऐसी परिस्थिति थी कि उसे लफ्ज़ों में बयां ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग बागों के घर जल रहे थे, लोग बाग मर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बड़ा प्यारा हमारा मुल्क है तो उसमें कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा थी। तो उस वजह से कुछ हिंदू भाइयों ने हमारी हेल्प करी, कुछ जब इंसान की जान पे बनाती है तो बस भागता ही है, वो क्या करेगा, कैसे कैसे ना कैसे जान तो बचानी है, मकान जल गया, कारें जल गई, बाइकें जल गई, जलने तो कोई नहीं, ज़िंदगी बचाओ अपनी किसी तरीके से। तो वहाँ से बस भगवान ने, अल्लाह ने किसी तरीके से बचा दिया तो निकल के वहाँ से। आप रूलिंग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, आपने किसी को अप्रोच करने की कोशिश की? MP सारे के सारे BJP के हैं दिल्ली में, उन लोगों को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की? हाँ जी, मैंने काफ़ी, नहीं MPs तो नहीं, लेकिन यह है कि मैं तो एक आम कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, तो मैंने अपने स्तर पर काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात की, सब ने पॉजिटिव बात की, बस यही की कि अख्तर भाई देखिए मदद तो हम वहाँ पे लेके आ नहीं सकते, आप कैसे भी करके वहाँ से निकल जाइए। किन से बात की थी, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, मैं एक XMLA हैं विजय जोली जी, उनका मेरे पास कॉल आया था और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की और कहा कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। एक हमारे करंट MLA हैं अजय महावर जी यमुना विहार से, उनका फ़ोन आया था। तो जो दंगाई थे वो किस तरह के थे, क्या लगा उनको देख करके, कहाँ से आए थे, क्या स्थानीय लोग थे या बाहर के लोग थे? मैम देखिए, ज़्यादातर जो दंगाई थे, क्योंकि मैंने दंगाइयों को देखा है, मैं अपने घर में था और नीचे दंगा हो रहा था, तो ज़्यादातर दंगाई बाहर के थे, लेकिन कुछ गुंडे किस्म के लोग ही कहूँगा मैंने, कुछ गुंडे किस्म के इस तरीके के लोग थे जो ये आइडेंटिफाई करा रहे थे कि इस घर को जलाइए ये मुस्लिम्स का है, इस घर को जलाइए ये मुस्लिम्स का है, उस घर को जलाइए वो मुस्लिम्स का है, तो कुछ ना कुछ लोकल गुंडों का उसमें सहयोग था। तो उन लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया है या पुलिस को नाम बताया? हाँ जी, मेरी FIR बाई नेम हो चुकी है, देखिए इंशाल्लाह भगवान ने चाहिए जल्द से जल्द, मुझे पुलिस पे भी विश्वास है, हालांकि लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, लेकिन होगी कुछ ना कुछ कार्रवाई। आप ये भी कह रहे थे अभी अभी क्या आप अपने घर में वापस जा चुके हैं? क्या नहीं, अभी है? अपने घर में नहीं गए क्योंकि वहाँ पे आग, पूरे मकान पूरी तरीके से जल चुके हैं, पूरे बिल्कुल कुछ नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म कर दिया उन्होंने, तो अभी तो शायद अब दूसरी जगह, एक जगह रेंट पे लिया है तो वहाँ पे रह रहे हैं सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सब एक है, हिंदुस्तान एक है, किसी भी तरीके से मरहम लगाया जाए, जो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प हो सके वो लोगों को दी जाए और जो अपराधी हैं उन्हें सजा दी जाए और मिसाल बनाई जाए कि जो भविष्य में ऐसा ना हो कभी। क्या आपके परिवार में भी किसी की मौत हुई है या कोई घायल हुआ है? हाँ जी, मेरे रिश्तेदारी में एक भतीजा है मेरा रिश्तेदारी का, अशफाक हुसैन, उसकी डेथ हुई है, अभी लगभग 11 दिन उसकी शादी को हुए थे तो उसकी भी डेथ हुई है 25 तारीख वाले दिन।